हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जो रिलेटेड है पीएलसी से। आज मैं आपको पीएलसी पे वर्क करना सिखाऊंगा, पीएलसी के एक सॉफ्टवेयर पे, इंटच सॉफ्टवेयर पे वर्क करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट ऑप्शन पे जाना है, इस पर इंटच पे जाना है, इंटच सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ऐसी विंडो ओपन होगी और उस पर हमें क्या है, अगर आपके पास विंडो नहीं है तो हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, जिसे हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है, और हमें नई फाइल सेलेक्ट करनी होगी यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे, फिर हम इस फाइल को नेम देंगे, जैसे हमने दिया है कुछ भी दे देते हैं अपन, गुड एस नेम देते हैं, SW नेम दे देते हैं। नेमिंग कर दिया हमने, हमें SW नेमिंग वाली साइट फाइल पे जाना होगा। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर हमारी एक विंडो खुलेगी, वो इंटर सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इंटर सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हमारी सबसे पहले हमारे फाइल में करेंगे, हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो होगा सबसे आगे, न्यू विंडो लिखा है इधर, फिर हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नेम दे देंगे, जैसे हमने नेम दे दिया, SW दे दिया नेम। विंडो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, विंडो कलर कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, विंडो कलर कोई भी कलर, जैसे हम यूज़ कर लेते हैं ब्लू कलर, तो हमने ब्लू कलर यूज़ कर लिया, तो हमारी इस तरह से विंडो खुल जाएगी। तो विंडो ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस स्लाइड को बड़ा करना है, और यहाँ पे हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी सिंबल फैक्ट्री है, ये हमारी विजार्ड सेलेक्शन है, जहाँ पे हम सारे कोई भी ऑप्शंस यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, तो हम जाएंगे सिंबल फैक्ट्रीज पे। सिंबल फैक्ट्रीज पे हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पे W आ रहा है, उस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है टैंक, हमें कंटेनर यूज़ करना है सबसे पहले, तो हम कंटेनर यहाँ से हम कोई भी कंटेनर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने ये वाला कंटेनर यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इसे, सबसे पहले हमें ब्रेक सेल करना है, प्रॉपर्टीज यूज़ करने से पहले सेल में जाके और ब्रेक सेल करना है। अब ब्रेक सेल करने के बाद हमें इस पर डबल क्लिक करना है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी अलग अलग आ जाएगी यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्टिकल वाली पे क्लिक करना है। वर्टिकल वाली में हमें इसे नेम देना है, SW का नेम दे देंगे, वही नेम देना जो हमें उसमें स्लाइडर में नेम देना है। अभी हम स्लाइडर डालेंगे, हम इस पर मैक्सिमम फिल हमारे 100 होना चाहिए, मैक्सिमम फिल हमारा 100 होना चाहिए इसमें, और मिनिमम फिल हमारा 0 रहना चाहिए, और इस पर 100 ही रहना चाहिए हमारा, और परसेंटेज भी 0 से 100 ही रहना चाहिए, तो हम इस पर ओके कर लेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से सेव का ऑप्शन होगा, उस पर सेव पे क्लिक करके हम क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, सिंबल फैक्ट्री से वापस से हमें सिंबल फैक्ट्रीज में जाना, और हमें एक टैंक यूज़ कर लेना, टैंक सेलेक्ट कर लेंगे हम, एज इट इज़ ये वाला टैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम एज इट इज़, उसी तरह से इसे हम इस पर डबल, इसको भी ब्रेक सेल करना है हमें, सेल में जाके ब्रेक सेल कर लेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करना है, फिर से प्रॉपर्टीज खुल जाएगी हमारी, फिर से हम वर्टिकल में जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 मैक्सिमम फिल करना है, और नीचे क्या करना है, हमें 100 मिनिमम 100 रखना है, और यहाँ पे परसेंटेज फिल 100 रखना है, और 100 से 0 रखना है, हम इस पर ओके कर लेंगे, यहाँ पे ओके कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्लाइडर चूज़ करना है, तो हमें स्लाइडर चूज़ करना है, इसमें स्लाइडर का ऑप्शन आएगा, हम वर्टिकल स्लाइडर यूज़ करेंगे, तो हम इस पर डबल क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा स्लाइडर आ गया। तो अब इसको भी नेम देना है, तो हमने जो SW जो सबको नेम दिया है वही सबको दे दिया है, वही इसको नेम देंगे SW, SW नेम दे दिया है। अब हमें यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेंगे T के लिए, जो हमें नंबरिंग के लिए शो करना है,
जो अब हम कीबोर्ड से शिफ्ट दबा कर हैश हैश लिख लेंगे, और इस पर भी डबल क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर इसमें एनालॉग वाली वैल्यू डिस्प्ले वाले में हम एनालॉग में जाएंगे और सेम नेम देंगे SW। SW देने के बाद हम ओके कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे रन रन टाइम पे क्लिक करना है, ताकि हमारा जो हमने एक कंटेनर के लिए बॉटल फिल करने के लिए हमें एक इंटर सॉफ्टवेयर पे हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, उसे बनाने के लिए हम रन टाइम पे जाएंगे तो हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। हम अब हमें क्या करना, माउस से इस स्लाइडर पे जाना है और इसको वो हल्का हल्का ऊपर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्लाइडर को जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, तो हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो टैंक है वो टैंक धीरे धीरे खाली हो रहा है, और जब हमारा कंटेनर वो फिल हो रहा है धीरे धीरे। ये ऑटोमेटिक बॉटल फिलिंग है, जिससे हम ऑटोमेटिक बॉटल फिल कर रहे हैं। ये इजीली वर्क कर सकते हैं हम इसे सॉफ्टवेयर पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड डैमो है, जो हम इसे प्रोग्राम में के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक PLCs के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए। मैं ऐसे वीडियोस अच्छे अच्छे नए लाते रहूँगा आपके लिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर लें। थैंक यू।